पहले ये लोग लेके आया द कश्मीर फाइल, उसमें ये लोग कामयाब नहीं हुआ। कश्मीरी पंडित जो हिंदू मुसलमानों लोग साथ में रहते वो लोग आके बयान दिया तो देशवासी समझ गया ये सब इन लोगों का पैसा कमाने का चक्कर है। बड़ा दंगा चाह रहा है, केरला शांत है ना, पढ़ा लिखा है ना, उसको भी बर्बाद करने का चक्कर में ये लोग है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। वैसे देखा जाए तो भाई बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। तो ठीक है फिर, मैं देवगिल अपने पूरे होश आवाज में अभी इसी वक्त इस्लाम कबूलता हूँ। अबे तुम पागल हो क्या, तुम्हारे अंदर भेजा है नहीं? किसी ऐरे गहरे नथू गहरे की बात मानकर मैं अपना धर्म बदल लूंगा और इस्लाम कबूल लूंगा? मैं अपना सर कटवा लूंगा, टांगे कटवा लूंगा, तुम जो सोच रहे हो वो भी कटवा लूंगा, पर इस्लाम नहीं कबूलूं। और इस्लाम ही क्यों, मैं अपना धर्म बदलूंगा ही क्यों यार, भाई हम तो कट्टर हिंदू हैं दिल से भी और वैसे भी। जय श्री राम। तो फाइनली नई वीडियो आ चुकी है और वो भी बिल्कुल टाइम से। पर आज की वीडियो होने वाली थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल, थोड़ी सी क्या, वैसे बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाली है, पर कोशिश ये रहेगी कि आपको एंटरटेनमेंट की कमी ना पड़े। शुक्र है। तो आज की वीडियो में हम रोज करने वाले हैं द केरला स्टोरी का। कैसा, फिर मारने का आएगा तू? अब तुम लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाकर शुरू हो जाओगे, ए देशद्रोही, ए आतंकवादी, तुझे शर्म है नहीं, तुझे शर्म आती है, बेशर्म आदमी, एक हिंदू होकर ऐसे काम कर रहा है। अरे भाई और उनकी बहनों पहले मेरी बात तो सुन लो। नहीं। आज हम रोस्ट करने वाले उन लोगों का जो द केरला स्टोरी का रोस्ट कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि जो लोग भी इस मूवी को बैन करवाना चाहते हैं, इस मूवी को बॉयकॉट करवाना चाहते हैं, और ये बात आप लोग भी जानते हो और मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वो लोग कौन है जो इस मूवी को बैन करवाना चाहते हैं या फिर बॉयकॉट करवाना चाहते हैं। क्योंकि वैसे भी सच्चाई को सिर्फ वही दबाता है जिसने या तो कोई झूठ बोला हो या तो कुछ गलत करा हो, और आप लोग तो अच्छे से जानते हो और मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि इन लोगों ने हमारे साथ कितना अच्छा करा हुआ है, फिर चाहे वो कश्मीर हो, केरला हो। और आज मूवीज ही एक ऐसा जरिया है जिससे या तो लोगों को इन सब चीजों के बारे में अवेयर करा जा सकता है, उनको जगाया जा सकता है, या फिर उनके दिमाग के साथ खेला जा सकता है, उनका ब्रेन वॉश किया जा सकता है। और इन सब चीजों का ठेका मिला हुआ है बॉलीवुड को, एक ऐसी इंडस्ट्री जो अंडरवर्ल्ड की रखेल है। अगर अंडरवर्ल्ड चाहे तो बॉलीवुड के अंदर थोड़े से पैसे लगाकर उसे अपने इशारों पर नचवा सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि ये बात तो पूरी दुनिया अच्छे से जानती है कि हमारे बॉलीवुड को फंडिंग आखिर मिलती कहां से है। नहीं जानते तुम? क्या करता है रे तेरी तो? अबे अंडरवर्ल्ड से मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा चल। और ये भी सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे बॉलीवुड के एक्टर जो हैं, जो सो कॉल्ड खान्स हैं, इनके हमारे अंडरवर्ल्ड के साथ कितने अच्छे कनेक्शंस हैं। तभी तो बॉलीवुड वाले राधे, किसी का भाई किसी की जान जैसी मूवीज को खुशी खुशी रिलीज कर देते हैं, जबकि ये बात इन्हें पहले से पता होती है कि अगर ऐसी मूवी रिलीज हुई ना तो ये सिर्फ पैसे की बर्बादी है और ये मूवीज फ्लॉप होनी ही है। और अगर ये अंडरवर्ल्ड की रखेल इनकी मर्जी से नाचने के लिए मना कर दे तो इसे धमकियां मिलने लग जाती हैं, जैसे अभी द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी रिलीज होने के बाद मिली, वो भी जान की इन दोनों मूवीज के क्रू मेंबर्स को। पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि तुम में से कितने लोग हैं जिन लोगों ने सही में द केरला स्टोरी या फिर कश्मीर फाइल्स देख ली है? मैं नहीं बताऊंगा। और अगर नहीं देखी ना तो तुम्हें जरूर जाकर देखनी चाहिए, क्योंकि ये मूवी तुम्हारी अवेयरनेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है समरिया, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस तुम्हें अपना मैं भाई समझ के बोल रहा हूं यार। और भाई अगर इस वीडियो के बाद मुझे धमकी मिलती है ना या ये मेरी वीडियो टेक डाउन कर दी जाती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगा। बहुत तेज हो रहा है, क्योंकि भाई मैं तो अपने धर्म से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी इज्जत भी करता हूँ, और अगर कोई उसके खिलाफ उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली काटना भी जानता हूँ। क्या बात है। अब कंट्रोवर्सी इस बात की चल रही है कि जो लोग भी इस मूवी को बैन करवाना चाहते हैं, बॉयकॉट करवाना चाहते हैं, उन्हें ये लगता है कि ये प्रोपोगेंडा मूवी है, जबकि ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं बहुत अच्छे से कि ये मूवी जो है, इस मूवी में जो जो चीजें दिखाई गई हैं वो बिल्कुल सच्ची हैं और द केरला स्टोरी बिल्कुल एक रियल स्टोरी है। सच बोलो। तो अब लोग इस मूवी को बैन करवाने के लिए, बॉयकॉट करवाने के लिए इसलिए पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मूवी उनके रिलीजन को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। इस फिल्म के जरिए से मुसलमानों को बदनाम करने की एक और बहुत बड़ी साजिश रचाई गई है। वैसे लगता तो सही है। नहीं देखो यार, इन चीजों पे मजाक उड़ाना गलत बात। I'm joking. वैसे मैं इस बात की सफाई नहीं देना चाहता, पर मैं दूंगा अपने उन सच्चे मुसलमान भाइयों के लिए जिन्हें अपने देश से प्यार है, जिन्हें हिंदुस्तान से प्यार है। क्योंकि जो सच्चे मुसलमान है ना, इन जैसे लोगों की वीडियोस देखकर उनका भी ब्रेन वॉश हो जाता है और वो भी बेचारे कुछ गलत काम कर बैठते हैं। गलत बात है भाई साहब। पूजा प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कहीं को कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? मैं ये पूछ रहा हूँ, वेदा गीता के अगेंस्ट जाके, श्री राम श्री कृष्णा के खिलाफ जाके प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? इतने झूठ मारूंगा कि टाट नकली कर दूंगा मैं। जब ये लोग ऐसी वीडियोस बनाकर भी मुंह पर मुकर जाते हैं कि हमने तो हिंदुस्तान के बारे में कुछ गलत बोला ही नहीं, हमने तो हिंदुओं के बारे में कुछ गलत बोला ही नहीं, हम तो हिंदुओं की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, अबे घंटा फटे तो फटे नबाबी ना घटे, और इतना कुछ सुनने के बाद भी ना हम लोग चुप रहते हैं, तो इसमें हमारी शरीफी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम जैसे लोगों की वजह से किसी सच्चे मुसलमान के साथ कुछ गलत हो जाए। क्या सोच है रे तेरी? क्योंकि हम हिंदू ना अपने धर्म के लिए दिल से प्यार रखते हैं, तुम्हारी तरह पीछे से नहीं।
और इस फिल्म का बहुत ज्यादा बायकॉट करें। तो इन महाशय ने बोला कि इस फिल्म का बायकॉट करो। इनके सब्सक्राइबर्स कितने हैं? 1 मिलियन। वीडियो पर व्यूज कितने हैं? 8,000। चलो मोटा मोटा 10,000 मान लेते हैं। और अगर इसकी वीडियो देखकर कुछ 5,000 लोग इन्फ्लुएंस भी होते हैं और उस मूवी को बैन करवाने के लिए, बॉयकॉट करवाने के लिए नारे लगाना शुरू कर देते हैं, तो इन जैसे लोगों के लिए तो जो हमारे 50,000 सच्चे मुसलमान है ना भारत देश के, वही बहुत है। और मैंने तो आप लोगों को बताया नहीं कि जिसकी वीडियो मैंने आपको दिखाई ये है कौन, या फिर मैं जिसकी वीडियोस आगे आपको दिखाने वाला हूँ वो लोग कौन है। तो बेसिकली ये लोग हैं आईसिस या फिर रिलीजन कन्वर्जन करवाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस के डिजिटल मार्केटर। ये लोग इस्लाम को बचाने के नाम पर डिजिटली लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं या फिर उनके ब्रेन का मैनिपुलेशन करते हैं, उन्हें गुमराह करते हैं और ऐसी चीजें करने के लिए मजबूर करते हैं। तुम हार के बैठे हो, तुम हार के बैठे हो। पर मैं एक बात देखकर ना यार बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया, इन लोगों को यूट्यूब वीडियो अपलोड करना भी आती है। मुझे तो लगा सिर्फ पत्थर फेंकने आते हैं। वैसे ये बंदा ना एज होस्ट आईसीस वालों बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, किसी और को अपॉइंट करो और इसे ना वापस पत्थर मारने वाली नौकरी पर लगाओ, ये वही सूट करता है। Emotional damage. तो ज्यादातर मूवी को लेकर इस बात की कंट्रोवर्सी चल रही है कि मूवी के अंदर जो भी रिलीजन कन्वर्जन के नंबर्स बताए गए हैं लड़कियों के वो बिल्कुल गलत हैं। क्या कह रहा चूतिया? चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि गलत है, तो कोई नहीं, इन्हीं भाई साहब से पूछ लेते हैं, इन्हें तो पता ही होगा। और इन्हें पता क्या होगा, इन्होंने तो देखा ही होगा क्योंकि है तो ये भी उन्हीं में से एक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर सुदीप्पो सेन की। सुदीप्पो सेन पता नहीं कैसा नाम है भाई, जैसा भी है तेरी शक्ल से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अरे जैसा भी है जनाब, तेरी शक्ल से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और जैसा कि ट्रेंड चली रहा है कि मुसलमानों का नाम लो और सुपर हिट हो जाओ, अरे जनाब आप भी तो एक मुसलमान ही हो, जब आप खुद के नाम से खुद को ही नहीं चला पा रहे तो हम क्या आपके नाम से पिक्चर चलाएंगे। और इसी तरह तू भी हिट होना चाहता है, तभी तो अपनी शक्ल जैसी बातें कर रहा है टट्टी। और भाई इस वीडियो में किसी को भी पर्सनली हेट नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, तो उसी नजरिए से देखना। और जितने भी मेरे सच्चे मुसलमान भाई हैं जो अपने देश से प्यार करते हैं, अपने हिंदू भाइयों से प्यार करते हैं, उनके लिए भाई दिल से प्यार है, बिल्कुल सपोर्ट है, दिल से सपोर्ट है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलता है आपको किसी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, टाटा।